नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री ने मंगलवार सुबह कोविड 19 वैक्सीन की पहली खुराक प्राप्त की। 58 वर्षीय शास्त्री को यहां के अपोलो अस्पताल में कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज मिली। इस बात की जानकारी खुद उन्होंने ट्वीट करके दी। हालांकि अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि क्या किसी क्रिकेटर को कोरोना वायरस की वैक्सीन लगी है या नहीं, क्योंकि भारतीय खिलाड़ी भी अहमदाबाद में हैं। पूर्व कप्तान रवि शास्त्री ने कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाते हुए फोटो ट्विटर पर पोस्ट की और लिखा है कि कोविड 19 वैक्सीन की पहली डोज मिली। महामारी के खिलाफ भारत को सशक्त बनाने के लिए अद्भुत चिकित्सा पेशेवरों और वैज्ञानिकों को धन्यवाद। कोविड 19 टीकाकरण अच्छी तरह से लगाने के लिए अहमदाबाद के अपोलो में कांता बैन और उनकी टीम द्वारा दिखाए गए वैश्विकता से बेहद प्रभावित हूँ। विराट कोहली की कप्तानी वाली टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 2-1 से सीरीज में बढ़त बनाई हुई है। गुलाबी गेंद से खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में भारत को 10 विकेट से जीत मिली थी। अब सीरीज का चौथा और अंतिम टेस्ट गुरुवार से शुरू होगा। भारत को लंदन के लॉर्डर्स में 18 से 22 जून तक खेले जाने वाले ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए कम से कम मैचों को ड्रॉ करना होगा। न्यूजीलैंड पहले ही WTC फाइनल में अपना स्थान हासिल कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।